किसानों की याद आते आते सरकार को 4 साल कैसे लग गए, क्या इसको भी चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है? अगर आप ये फैसला जो अब 4 साल के बाद लिया, आपने अंतिम क्षण में लिया, अगर पहले लेते तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथी ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा बात किसानों की हो रही है। सरकार ने समर्थन मूल्य तय कर दिया, वो भी खरीफ की फसल का, वो भी चुनाव के वक्त। इस पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ए के मिश्रा जी, किस तरह से सरकार के फैसले को देख रहे हैं? चुनावी सीजन है, कई राज्यों में चुनाव होना, क्या उसके मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है? आम चुनाव भी नजदीक है। देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊं, बात अगर कृषि की चली है ना, तो हमारे देश में एक कृषि से ही संबंधित मुहावरा है जो कि उतना ही पुराना है जितना पुराना कि कृषि का व्यवसाय हमारे इस देश में जो है पैदा हुआ है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही हमारी सभ्यता विकसित हुई और कृषि भी विकसित हुआ। मुहावरा ये है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेकेड आई से अगर आप ये देखिए, 4 साल निकल गए, आपने इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या वादे किए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। एग्रीकल्चर के लिए सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली पूरे देश में, एक भी घोषणा नहीं हुई, एक पैसे का भी उनको सपोर्ट नहीं मिला और केवल मुंह से एक सांत्वना भी किसी भी नेता या पार्टी ने नहीं दी। तो डेफिनेटली अब देखिए क्या है, फिजा में जो है चुनावी जो है बादल मंडराने लगे हैं, तो वो चुनावी बादल का ये बरसात है, पहली चीज। दूसरी चीज, 4-6 महीने साल भर में आप क्या फैसिलिटी दे दोगे? क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई योजना लाई है कि एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा कवर करते हुए और आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उसके लिए इन्होंने कोई सिस्टम बनाया है? ये तो एक फौरी तौर पे है कि 250-250 रुपए पर क्विंटल का एडिशनल आपने दे दिया ताकि जो नाराजगी है वो एक वोट बैंक में कन्वर्ट हो सके, उससे आज तो महंगाई बढ़ रही है, वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो सके। तो मैं बोलना ये चाहूंगा, देखिए अब इसमें इसके दोनों एंड को पकड़िए। मैं बोलता हूं कि एक तरफ अगर मान लीजिए जो भी ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे तो उससे जो क्रय मूल्य है, जो लागत है वो बढ़ेगी, तो वो आपकी एमआरपी भी मार्केट में भी वो महंगाई होती है। एग्रीकल्चर डबल एजेस, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है जहां पे दोनों तरफ। देखिए अगर मान लीजिए खरीद ही किसान के यहाँ से मांगी हो रही है तो मार्केट में एमआरपी या चीजें जो कंज्यूमर को हैं वो ज्यादा मांगी मिलती है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लैकिंग लग रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जो पूरे टोटल किसान हैं, मैं देखिए आपको बताऊं, 13-14% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में केवल एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है, जो भी उद्योग धंधे हैं, मछली पालन वगैरह, गऊ पालन, पशुपालन, उससे होता है। 50-60% अभी भी जो रोजगार लोगों को मिलता है, रोजी रोटी का जो जरिया है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मैं हैरान इस चीज पे हूँ, पिछले 60-70 साल में इतनी ऐतिहासिक एक ये एक ऐसा पैसा है जो इतना ऐतिहासिक है, इतना जबरदस्त इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है हमारे कंट्री के इकोनॉमी में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, हर चीज में। और सारी की सारी सरकारें आती हैं केवल लॉलीपॉप दे करके और इन सारे लॉलीपॉप के थ्रू जो है किसानों का वोट जो है अपने वोट में परिवर्तित करा के चले जाते हैं। मिश्रा जी, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, इसी में एक सवाल पैदा होगा। अगर आप फसलों के वाजिब दाम किसानों को नहीं देंगे तो यहाँ से कई समस्याएं फिर पैदा होती हैं। बेरोजगारी आज जो हमारे देश में बड़ी है उसकी एक वजह यह भी है कि किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर किसान फसलों के सही दाम उनको मिलते तो उनके घर के परिवार के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो खेती बाड़ी करते, बेरोजगार नहीं फिरते शहरों में आकर। नहीं देखिए सवाल आसिफ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितनी भी सरकारें रही है, मैं बोलता हूँ आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए और इस मुद्दे को भी छोड़िए, बात सरकारों की है। नहीं नहीं देखिए, किसी पार्टी की नहीं है। कितना बड़ा दोगलापन यहाँ पे है। मैं बोलता हूँ 60-70% जनता जिस चीज पे आश्रित हो और उस चीज को आप लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं। अगर आपने केवल एग्रीकल्चर कल्चर के लिए ही आपने जो है सीरियस वे में शुरू से अप्रोच किया होता, ऐसे बहुत से कंट्री हैं आसिफ मैं आपको बताऊं जो एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री की तरह लेते हैं, उन्होंने कंसंट्रेट किया है और इतना जबरदस्त रोजगार इसमें पैदा हुआ है। एके मिश्रा जी, इजराइल देखिए आप, खेती बाड़ी के हिसाब से वहां का एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन पैदा कर दिया उन्होंने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इजराइल देखिए और इजराइल के साथ साथ आप सबसे पहले ये देखिए इंडिया के जो नेचुरल यूएसपी है हमारे यहाँ, आप ये देखिए खेती की कितने प्रकार की जमीनें हैं, कितने तरीके के फसलें होती हैं, कितने तरीके के आपको फल होते हैं। आप ये देखिए फ्रूट जूसेस का पूरा एक बिजनेस है पूरे ग्लोबल लेवल पे, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज जो है फ्रूट जूसेस एंड पल्प के बिजनेस में है। इन सारे के सारे मौकों को जो है अपना गवर्नमेंट आज तक जो है इनकैश नहीं कर पाई है,
केवल और केवल ये है कि केवल फोकस इंडस्ट्री पे करना है। आप जितना फोकस इंडस्ट्री पे कर रहे हो, एग्रीकल्चर को चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, एग्रीकल्चर को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी देश के ओवरऑल ग्रोथ में, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे डे टू डे बेसिस में कोई चीज़ हो, वो एग्रीकल्चर का होता है। ऑफिस आसिफ जो है, ये इन लोगों ने ये पूरा का पूरा इसको इग्नोर करके हमारे जो देश की पूरी इकोनॉमी है ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी बैकबोन को इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। केवल 4-6 महीने साल भर के लिए ये करेंगे, कुछ ऐसा घोषणा कर देंगे, कुछ ऐसी योजना ले आ देंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं आसिफ, होता क्या है, जब ये घोषणा करते हैं ना तो उसका एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए होता क्या है, इसकी डिलीवरी आपको एक एक गांव में करनी होती है, खेत के मेड़ों पे करनी होती है, क्योंकि किसान वही होते हैं। किसान जो है बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं होते हैं इंटरनेट वगैरह, तो उन तक अप्रोच करना और सर्विस को डिलीवरी करना, अपने कमिटमेंट को डिलीवरी करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म अभी भी इंडिया में नहीं है कि कोई योजना आए, चाहे वो ऋण लेने का हो, चाहे ऑनलाइन परचेज का हो, वो किसानों तक डायरेक्ट जाए और इमीडिएट इम्पैक्ट उसका पड़े। ये एक बड़ी नाकामी है हमारी, जो भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट किसानों के पास नहीं पहुंच पा रही है, डायरेक्ट किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, आलू से लेकर तमाम चीज़ें बन रही हैं, फैक्ट्रियां बना रही हैं, उनके दाम बाजार में कितने ज्यादा हैं, लेकिन किसानों को उनके वाजिब दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं।